फिर आ गया कोलकाता का मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, और यहाँ पे कैंटीन है। तो ये एकेडमी बिल्डिंग रेड कलर का, तो ये है UNB। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आज के इस ब्लॉग में कोलकाता का मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल स्कूल का दिखाने वाला हूँ, जो कोलकाता का कॉलेज स्ट्रीट में पड़ता है। तो ये है कॉलेज स्ट्रीट, और यहाँ से जस्ट एक मिनट की दूरी पर है कोलकाता का मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। चलिए चलते हैं। तो इसी रास्ते सीधा जाने के बाद ही आपको कोलकाता का मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल दिख जाएगा। चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो ये रहा गाइस कोलकाता का मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, चलिए आपको सामने दिखाते हैं। तो ये फ्रंट का व्यू कोलकाता का मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का, इसके अंदर एंट्री करते हैं और आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं। फाइनली गाइस आ गया कोलकाता का मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के सामने। तो ये है मेन गेट, इस गेट से एंट्री करते हैं और अंदर चलते हैं। जैसे आप एंट्री करके कुछ अंदर आते हो तो यहाँ पर आपको एक के बाद एक यहाँ पे डिपार्टमेंट्स दिख जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पे पेशेंट लोग डॉक्टर दिखाकर विजिट कर रहे हैं। तो जैसे आप एंट्री करके कुछ अंदर आते हो तो इस प्रकार का आपको बिल्डिंग्स दिख जाएंगे, और यहाँ पे एजरा भवन है। ये सामने जो बिल्डिंग आपको दिख रहा है ये एजरा भवन है। तो और आगे तरफ चलते हैं, आपको दिखाते हैं अंदर में और कौन कौन सी फैसिलिटी है। और यहाँ पे कैंटीन है, जो पेशेंट के परिजन आते हैं वो यहाँ कैंटीन में खाना खा सकते हैं। और कैंटीन के बाद ही एकेडमी बिल्डिंग है, चलिए आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एकेडमी बिल्डिंग रेड कलर का। तो ये है गाइस एकेडमी बिल्डिंग। तो इस कोलकाता का मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में और अंदर की तरफ चलते हैं और आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं। तो ये रास्ता और अंदर जाने का, तो यहाँ से और अंदर एंट्री करते हैं। और जैसे कुछ आ गया तो यहाँ पे UNB हॉल दिख जाएगा। तो ये है UNB हॉल। और इस UNB हॉल के सामने ही है मेडिकल कॉलेज एंड कोलकाता एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। और अंदर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट है इस कोलकाता के मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में। और जैसे अभी UNV बिल्डिंग से कुछ आ गया तो यहाँ पर आपको टर्निंग पॉइंट दिख जाता है, और इस टर्निंग पॉइंट से लेफ्ट लेते हैं और अंदर की तरफ चलते हैं और आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं, उसके बाद आपको राइट साइड से लेकर चलेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे गाइस है कोलकाता का मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का सेंट्रल लेबोरेटरीज, और यहाँ पर है रिपोर्ट डिस्पैच काउंटर और सैंपल रिसीविंग काउंटर। तो इस तरह से और आगे तरफ चलते हैं। तो कुछ आ गया तो यहाँ पे आपको टर्निंग पॉइंट दिख जाता है, तो टर्निंग लेते हैं। तो यहाँ पे एंड हो जाता है कोलकाता का मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का गेट से, और यहाँ पे
एनेक्स बिल्डिंग है। तो और आगे तरफ चलते हैं, राइट लेते हैं टर्निंग पॉइंट से, और यहाँ पे गाइस हॉस्टल है कोलकाता का, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का। तो और आगे तरफ चलते हैं और टर्निंग पॉइंट्स लेफ्ट साइड में टर्निंग लेते हैं और आपको आगे व्यू दिखाते हैं। तो फाइनली गाइस आ गया टर्निंग पॉइंट पर और यहाँ से लेफ्ट लेते हैं और आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं, अंदर में कौन कौन सी फैसिलिटी है इस कोलकाता मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अंदर। और लेफ्ट साइड टर्निंग ले कुछ आगे आने के बाद यहाँ पे फार्माकोलॉजी बिल्डिंग डिपार्टमेंट दिख जाएगा। तो यहाँ पे कोलकाता का मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का इस साइड में एंड हो जाता है। तो यहाँ में कुछ बिल्डिंग्स है पैथोलॉजिस्ट का और PWD और फार्माकोलॉजी। से आप टर्निंग लेके लेफ्ट साइड में जाते हो तो आपको पैथोलॉजी डिपार्टमेंट दिख जाएगा। तो अब यहाँ से बैक करते हैं कोलकाता मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से। फाइनली गाइस कोलकाता का मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के मेन गेट से बाहर आ गया। तो ये था कोलकाता का मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो आई होप कि आज का ब्लॉग मजेदार रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो टेक केयर, जय हिंद।